नमस्कार, मायमाउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेड इस्माइल। हम मायमाउली के सभी दर्शकों को जिस चीज का, जिस स्टोरी का इंतजार था, वो स्टोरी आज मायमाउली के दर्शकों के मोबाइल के स्क्रीन पर। दर्शकों, हम आज ऐसे वो स्थान पर आए हैं जो भोजाजी महाराज, संत भोजाजी महाराज के चरणों में मायमाउली पहुंची है। मायमाउली की टीम भी उसके साथ में पहुंची। दर्शक, हम बताना ये चाहते हैं कि आप दर्शकों को जो भोजाजी महाराज गुमनाम थे, आज वो अपना नाम बता रहे हैं और अपने नाम के करामत इन दुनिया में छाप छोड़ चुके हैं। दर्शकों, इसी संदर्भ में आज हम भोजाजी महाराज के मठ में, भोजाजी महाराज के मंदिर में, भोजाजी महाराज के देवस्थान में और भोजाजी महाराज के सरजमीन पर आकर पहुंचे हैं और आज आपको कण कण से लेकर, जर्रे से लेकर, भोजाजी महाराज की करामत से लेकर और भोजाजी महाराज की कार्य कीर्ति से लेकर हर वो चीज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हमने आज आकर इस यहाँ पर इस भोजाजी महाराज जो संस्था है उनके अध्यक्ष से मुलाकात की और उनसे भी बड़ा प्यार और रिस्पॉन्स मिला और कहने लगे कि भोजाजी महाराज का प्रचार करना, भोजाजी महाराज का प्रसार करना ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम कोई झूठा इतिहास हम आपको नहीं बताएंगे, जो हकीकत है वो बताएंगे, क्योंकि हम बड़ापन कर हमारे महाराज की जो अभिमान है वो हमारे अंदर है और हम उस अभिमान के लिए हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये भी अध्यक्ष है मेरे साथ में, हम इनका भी परिचय आपको बताएंगे। ये कह रहे हैं कि मैं 2018 से जब से जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ से इस अध्यक्ष पद को छोड़ना दिल नहीं कह रहा है और लोगों की सेवा में जो जिस तरह से श्रद्धालु भक्तालु जो आते हैं यहाँ पर, उनके साथ में रहकर अपना दिल बहलाता हूँ। इसी संदर्भ में आज हम यहाँ पर आए हैं और इनसे महाराज के बारे में जानकारी लेंगे, महाराज के बारे में, महाराज की जो जिस तरह से इतिहास था उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम मायमाउली के दर्शक और मायमाउली से हम आपको नमस्कार करते हैं सर, और आप कब से, क्या है और कहाँ से ये शुरुआत हुई और आपका मन इसमें किस तरह से लगता है, ये हम आपको आगे पूछेंगे। नमस्ते सब दर्शकों को मेरा सबसे पहले माय मौली के दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर विजय पर्वत, श्री संत भोजाजी महाराज ट्रस्ट का 1918 से अध्यक्ष पद पर और महाराज की सेवा में अविरत कार्य कर रहा हूँ। मुझे समाधान है कि यहाँ पे अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं। पूरन पोई का प्रसाद यहाँ पे एक विशेषता है और 100 क्विंटल से ज्यादा पूरन प्रसाद यहाँ पे हर रोज और बुधवार को स्पेशली लोग आते हैं और दर्शन करते हैं। दर्शकों, आपको बताना चाहते हैं, तेलंगाना एक ऐसी स्टेट है कि वहां से भी लोग यहाँ के दर्शन के लिए आते हैं। हमें बड़ा फख्र है, अभिमान है कि आप लोग यहाँ पे आए और भगवान का दर्शन ले। यहाँ पे ऐसी बहुत लोगों की आस्था है, प्रचित है और लोग जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विजय, आप ये बताइए कि आप, हम जो देखते हैं कि यहाँ 1650 से ये कार्यकृति चलती आ रही है, भोजाजी महाराज का नाम सुनते आ रहे हैं, इसमें आपको क्या अच्छा लगता है और इसमें लोग जो इतना रविवार को और बुधवार को लोगों की तादाद आती है, आप इसको कैसा मेंटेनेंस करते हैं, फिर उसको इतने सारे यानी 400 परिवार आकर यहाँ पर पूरनपुरी का अन्नदान देते हैं, यानी पूरनपुरी का अन्न बनाते हैं, तो इसके अंदर आपको क्या क्या परेशानी जाती है या तो फिर किस तरह से या आसानी से आप ये कार्यों को आगे पाते हैं? जी, मैं कहना चाहूंगा इतना बड़ा जो कार्य हो रहा है सब बाबा की कृपा से हो रहा है। कोई ना कोई शक्ति इसके पीछे काम कर रही है। जब पुण्यतिथि उत्सव रहता मई महीने में साल का, तो उसमें 1.5 लाख लोग आते हैं। वहां पे वारकरी भजन स्पर्धा रहती है, दिंडी लोग आते हैं जगह जगह से, इतनी तादाद में लोग आते हैं, फिर भी व्यवस्था सिस्टमेटिक अपने आप हो जाती है। कोई अपघात नहीं, कोई इंसिडेंस नहीं, सबके मनोमिलन भाव से सब कार्य पूरा होता है। इसमें हम कार्यरत तो रहते हैं दिन रात, जो भक्तगण लोग हैं, जो श्रमदेवी लोग हैं, वो भी सहकार्य करते हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसी शक्ति है कि इतना बड़ा कार्य हमारे हाथों से वो करवा लेते हैं, ये मेरी आस्था है। पूरी यानी पूरन की रोटी की जो परंपरा शुरू हुई, ये इसका क्या इतिहास है, यानी पूरन की रोटी क्यों, फिर भोजाजी महाराज को दूसरा भी यानी दाल चावल भी रहता था या तो फिर कुछ बड़े या तो और कुछ सामग्री यानी खाद्य सामग्री होना चाहिए था, लेकिन पूरन की रोटी इस पर फोकस, यानी पूरन की रोटी ज्यादातर लोग आकर यहाँ पर यही बनाते है, तो इसके ऊपर क्या माहिती देंगे आप? पूरन की रोटी की ऐसी मान्यता है कि पूरन है पूर्ण ब्रह्म, पूरन से ऊपर कोई अन्नदान नहीं है या कोई मिठाई नहीं है या कोई अन्न नहीं है, ऐसी एक धारणा है।
और महाराज जो है वारकरी संप्रदाय के विठ्ठल भक्त के, और विठ्ठल को ये प्रसाद ज्यादा प्रिय है, पंढरपुर वाले विठ्ठल जो वारकरी महाराज जाते थे विठ्ठल रुक्माई मंदिर, तो लोगों की मान्यता पहले से शुरू से महाराज को जो प्रसाद चढ़ाया जाता है या अर्पण किया जाता है वो पूरन की रोटी और घी, ये मान्यता है। और जैसे लोग यहाँ पे मन्नत मांगते हैं समाधि पे माता टेक के, ये 1650 से ये समाधि है, तो ये पुरातन समाधि है, इसकी प्रचिति ऐसे कि इसमें जिसने माथा टेका है और अपनी मन्नत मांगी है वो पूरी हो जाती है। और लोग मन्नत मांगते हैं कि हमारी कामना पूरी हो जाए तो हम पूरन का प्रसाद आपको अन्नदान करेंगे, तो आप लाखों की संख्या में साल में ऐसे लोग आते हैं, ऐसे परिवार आते हैं और उनकी मन्नत पूरी होने के बाद, मनोकामना पूरी होने के बाद वो प्रसाद पूरन प्रसाद करते हैं, और ये पूरन ये पूर्ण ब्रह्म है ये करके लोग यहाँ पे पूरन पूरी का प्रसाद चढ़ाते हैं। महाराज को बहुत प्रिय है, महाराज को जो प्रिय था जो खाद्य पदार्थ था उसमें अन्नदान जो अन्न प्रिय था वो पूरन पूरी का था, इसलिए जनता के बीच में और उनके श्रद्धालु के बीच में ये अन्न जो है पूरन पूरी का फेमस हो गया। और जब से यानी 1650 से ही ये कार्य चलता आ रहा है वो आज तक 2024 तक चल रहा है। अच्छा ये बताइए, अगर भोजाजी महाराज यहाँ पर का जो मठ है यानी मंदिर है और यहाँ पर जो उनका स्थान है, इसमें यहाँ पर मूर्ति रखी हुई है और या तो यहाँ समाधि रखी हुई है, इसके बारे में समाधि के बारे में क्या कुछ मायमौली के दर्शकों को जानकारी देना चाहते हैं? ये समाधि तो पुरातन है, हमारा जन्म भी नहीं था, और समाधि कब ली ये तो हम मतलब कोई इतिहास में ऐसा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हमारे दादा परदादा ने जो बताया कि 1650 से समाधि है, पहले छोटा एक मंदिर था, शेड टीन का शेड था, और जो कुआ है वो वही 1650 से ही है, वो कुआ का बहुत महत्व है। और महाराज की समाधि शाश्वत है, और ये महाराज की समाधि जागृत है, ऐसे बहुत से लोगों को यहाँ पे एक प्रचिति आई है और उनकी मनोकामना वो समाधि पे माता टेकने के बाद पूरी हुई है, और ऐसा करते करते लोगों को जो उनकी प्रकट हुए उनके सपनों में या फिर साक्षात्कार हुआ कुछ भक्त लोगों को, उन्होंने जैसे बताया कि महाराज ऐसे सफेद वस्त्र में थे, ऐसा फेटा था, उनके साथ घोड़ा था, कोई जनता किसी ने देखा नहीं महाराज, लेकिन वो उनके सपने में या फिर साक्षात्कार जिनको जिनको हुआ उन्होंने जो बताया उनका सामने देख के फिर ये मूर्ति और नक्शा बनाया है। डॉक्टर विजय, अभी ये तो यहाँ पर जिस तरह से चल रहा है ये माहौल चल रहा है, अभी इसमें और क्या भोजाजी महाराज के ट्रस्ट में और क्या तरक्की होगी? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी 2023 को हमने ट्रस्ट मंडल ने महाराष्ट्र शासन को एक विनंती पत्र दिया था, माननीय नामदार नितिन जी गडकरी केंद्रीय मंत्री इनको भी हमने एक निवेदन दिया था कि हमारे स्थानीय आमदार समीर बाबू कुनावार विधायक उनको लेके हमने एक विनंती पत्र दिया कि ये इतने तादाद में लोग आते हैं लाखों, और इतनी तादाद में 100 क्विंटल से ज्यादा पूरन प्रसाद यहाँ पे होता है, दर्शन के लिए लोग आते हैं, तो ये जो मंदिर है ये केंद्रीय पर्यटन प्रसाद योजना में समावेश होना चाहिए, जो कि केंद्र से जो निधि आएगा विकास कार्यों के लिए, तो ये लाखों लोग जो आते हैं उनकी सुविधा के लिए एक सक्षम एक हम कुछ कर प्रयास कर सकते हैं। तो महाराष्ट्र शासन ने वैसा प्रस्ताव केंद्रीय को भेजा और 2023 में विधानसभा में घोषणा हुई कि महाराष्ट्र में जो 5 धर्मस्थल है तो उसमें भोजाजी श्री संत भोजाजी महाराज देवस्थान आजनसरा इसका ये प्रस्ताव ये प्रस्तावित हुआ है, ये प्रसाद धार्मिक पर्यटन योजना में अब आगे इसका पर्यटन संचालन से आराखड़ा विकास मंजूर होगा और केंद्र से पैसा आएगा तो यहाँ पे बहुत सारा विकास काम होने की संभावना है। जनता की सेवा के लिए गांव के आजू बाजू गांव के लिए क्या संत भोजाजी महाराज की तरफ से कोई ट्रस्ट लगता है या तो कोई योगदान देते हैं या तो गांव वासी को ऐसे सैनिटाइजर हो गया या तो फिर रक्तदान हो गया, इसके अंदर आप जिस तरह से इतनी बड़ी संस्था चला रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है और ये चलाना भी चाहिए, ये आस्था का मामला है, हम इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन जिस तरह से संत भोजाजी महाराज के कार्य थे, संत भोजाजी महाराज लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए यानी गलत रास्तों से हटाकर अच्छाई के रास्ते पर ले जाया गया है और संत भोजाजी महाराज को मानने वाले करोड़ों लाखों लोग मौजूद है, तो उसी संदर्भ में आपका इस आप अध्यक्ष के नाते मैं आपको ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्या ट्रस्ट के आपका जो भोजाजी महाराज ट्रस्ट है वो लोगों की सेवा के लिए, यानी मेरा बोलने का मतलब ये है कि लोगों की सेवा के लिए ये ट्रस्ट क्या काम कर रहा है? जी जी बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका।
जब से मैंने ये अध्यक्ष पद का सूत्र संभाला है तो सामाजिक दायित्व का हमने एक प्रयास किया है कि जन सेवा ही ईश्वर सेवा है, हर लोगों में ईश्वर का अंश है और निराधार वंचित और गरीब लोगों की सेवा करना चाहिए। जो भक्तगण आते हैं यहाँ पे दान धर्म करते हैं वो लोगों के अच्छे कार्यों के लिए, समाज के अच्छे कार्यों के लिए ही करते हैं और उसका प्रयास हम करते हैं। यहाँ पे जो वंचित वृद्ध लोग थे, निराधार लोग थे, जो ऐसे भीख मांग के यहाँ पे गुजारा करते थे, कोई शेड में पड़ोस में सोते थे, तो सबसे पहले तो हमने उनके लिए एक आश्रम तैयार किया, उनको सबको एक लाया एक छत्र के नीचे और उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके आरोग्य की हेल्थ की व्यवस्था की, उनको दवाई पानी की व्यवस्था की और वो एक आनंद आश्रम करके वंचित लोगों के लिए हमारे यहाँ पे चालू है 2018 से। ऐसे 20-25 लोग, बूढ़े लोग और निराधार लोग हमारे यहाँ पे आश्रय लेके उनके लिए हम काम करते हैं। दूसरा ऐसा जो वो गोर गरीब जो लोग हैं, जो बच्चा अच्छा पढ़ाई में होने के बावजूद पढ़ाई नहीं कर सकते हैं या कोई ऐसी बीमारी आ जाती कि वो उसके लिए पैसा नहीं लगा सकते। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर विजय और ये 2018 से अपने कार्यरत पर हैं और ये 2018 से इन लोगों की सेवा में हैं और इस ट्रस्ट को संभालने के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ में अपना घर बार छोड़कर, अपना कारोबार छोड़कर यहाँ पर सतत तैयार रहते हैं। और यहाँ पर ट्रस्ट के अंदर यानी जब भी हम भोजाजी महाराज के मंदिर में आएंगे या तो मठ में आएंगे तो यह सारी सहूलतें आपको नजर आएंगी। दर्शकों, माया बाहुली आपसे ये कहती है कि एक बार जरूर दर्शन दें भोजाजी महाराज का और उसका एड्रेस हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देंगे कि ये हैदराबाद से नागपुर जाने वाला रोड नंबर रोड संख्या 44 और उससे इंगन घाट के करीब ही और अजनसरा गांव है और वहां पर संविधान चौक से लेफ्ट साइड में पहुंचना है आपको। लेफ्ट साइड से 7 से 8 किलोमीटर पर अजनसरा गांव दिखाई देगा, यानी ये गांव इतना फेमस है, यानी भोजाजी महाराज का गांव है ये। अब किसी को भी या गूगल मैप पर भी डाल देंगे तो आपको अजनसरा ले जाएगा गूगल मैप। दर्शकों, आगे की वीडियो जिस तरह से डॉक्टर विजय ने बताया कि यहाँ पर कुआ है, जो पेड़ है, ये जितनी भी चमत्कारी चीजें हैं वो माया मौली का कैमरा आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप बने रहिएगा। धन्यवाद।